अभी हमने नया इनिशिएटिव लिया है जिसकी धीरे धीरे देश और दुनिया में चर्चा होगी, एनिमल हॉस्टल, पशु छात्रालय। आज हमारे देश में क्या है, गांव में जाओ तो किसी भी घर में जाना है तो घर का मालिक मिलने से पहले घर के दरवाजे पर पशु मिलता है, और जाने वाला भी सोचता है इधर से जाऊं उधर से जाऊं, ये मारेगा पैर मारेगा। ये हाल है, और माताओं बहनों की पूरी शक्ति अपने बेटे की चिंता कम करते पशु की ज्यादा करते। शादी ब्याह में जाना है, घर मां बाप को मिलने जाना है, महिला नहीं जा सकती, क्यों भाई, दूध धोने का टाइम हो गया, चारा कौन डालेगा, पशु को कौन संभालेगा, यही टेंशन है। क्या बदली हुई समाज व्यवस्था में हमारी मां बहनों को कुछ तो भी कुछ तो स्वतंत्र मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एनिमल हॉस्टल बनाया, गांव के सारे पशु उस हॉस्टल में रहते हैं। उस गांव के अंदर करीब 900 पशु हैं, सबके सब हॉस्टल में रहते हैं। घर वाले 2-3 घंटा वहां आ जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं। गांव समझते हैं, एक वहां एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो समय पर चारा, समय पर पानी ये देते हैं, पंखा चलता है, म्यूजिक बजता है। परिणाम ये हुआ है, अभी 4 महीने के अंदर अंदर में 20% मिल्क उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, 20%। सब साफ होने के कारण बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर तैयार हुआ है, गैस प्रोडक्ट हो रहा है, बिजली प्रोडक्ट हो रही है, उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बनी है, गांव एकदम साफ सुथरा हो गया, एकदम साफ सुथरा। जो माताएं 24 घंटे पशु की सेवा में थी वो आज उनको 4 घंटा दिया तो काम चल जाता है। और मैंने सब माताओं से भी बात की, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा इसका फायदा क्या होगा, बोले सबसे बड़ा तो ये फायदा होगा कि हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। मैंने कहा कैसे, बोले पहले लड़कियां आती नहीं थी, क्यों, बोले हम पशु वशु में काम नहीं करते, गांव में रहने में काम नहीं, लेकिन ये पशु का काम नहीं करते। अब बोले हमारा ये भी काम हो गया। मित्रों नया इनिशिएटिव है, नई कल्पना है, लेकिन इसके कारण बहुत बड़ा फायदा है। गुजरात मिल्क इंडस्ट्री में काफी आगे है, हमने ट्राइबल्स को मिल्क की सेवा में लगाया है, उसको हम पशु देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, खाद देते हैं, चिलिंग स्टेशन बना रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट में चिलिंग स्टेशन बना रहे हैं, जो मिल्क को एकत्र करके उसको चिलिंग करने का काम, बहुत बड़ा कारोबार हम उस पर ध्यान दिया है, उसको चलाया है। इन पशुओं की केयर हम कितनी बारीकी से करते हैं, आपको थोड़ा मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए देता हूं कि आपको अंदाज आएगा। हम लोग मोती बिंदु का ऑपरेशन करते हैं जी, मोती आते हैं मोती बिंदु करते हैं ना। आपने कभी सुना है कि कहीं पशु का मोती बिंदु का ऑपरेशन होता है? सुना तक नहीं होगा। दुनिया में गुजरात ये पहला प्रदेश है जहां पर कैटल के कैटरेक ऑपरेशन किए जाते हैं। कैटरेक का ऑपरेशन होता है, मोती बिंदु का ऑपरेशन होता है। आपने मनुष्य की डॉक्टर जिसमें है, मनुष्य को दांत दुखता है, खाना नहीं खा रहा है, हजम नहीं होता है, सब पटे होते हैं ना, कभी सुना है पशु को भी ये सब होता होगा? गुजरात में पशु के डेंटल ट्रीटमेंट का व्यवस्था है, इसके लिए हम कैंप लगाए, पिछले साल 2700 कैटल कैंप लगाए, उनके सिर्फ हेल्थ चेकअप के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। और ये पिछले 5 साल से लगातार हम कर रहे हैं, 7 साल से, इसका नतीजा ये हुआ है कि 127 प्रकार के भिन्न भिन्न डिसीज, जो कभी बारिश ज्यादा हो गई थी तो पशु को हो जाता था, कभी धूप ज्यादा हो गई थी तो हो जाता था, कभी कोई वायरस चल पड़ा हो जाता था, इन लगातार कोशिश का परिणाम आज 127 डिसीज ऐसे हैं जो पूरी तरह गुजरात में से नष्ट हो चुके हैं, 127 रोग नाबूद हो चुके हैं। इससे बड़ी कौन सी जीव दया हो सकती है?